कैसे सब? तो मैं हूँ आपका दोस्त एस जी, एंड ये हमारा फॉर्म वैलिडेशन यूजिंग जावास्क्रिप्ट का सेकंड पार्ट है। आज के वीडियो में हम लोग जावास्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, ठीक है। इसका फ्रंट एंड हम कंप्लीट डिज़ाइन कर चुके हैं, ये कंप्लीट हमारा फ्रंट एंड है। तो अगर यार आपने अभी तक इसका फ्रंट एंड नहीं बनाया तो फटाफट से जाओ, पहले इसका पार्ट वन देख के फ्रंट एंड कंप्लीट कर लो, देन सेकेंड पार्ट में वापस से रिज्यूम करना एंड इसकी जावास्क्रिप्ट लिखना, ठीक है। तो ये हमारी कंप्लीट, हम स्टाइलिंग कर चुके थे इसकी, एंड ये हमारे इसका HTML डॉक्यूमेंट है, ये रहा, ठीक है। अब इस HTML डॉक्यूमेंट में ना यार, मैंने लास्ट पार्ट में बताया था कि जो आप फॉर्म डिजाइन करोगे उस फॉर्म को इस फॉर्म टैग के अंदर रखना। क्यों? देखो, ये नहीं बताया था मैंने। देखो, इसमें ना हमारे को दो प्रॉपर्टीज मिलती हैं। पहला, ऑन सबमिट। ऑन सबमिट में हम जो भी फंक्शन कॉल करेंगे ना, ठीक है, जैसे ये हमने सबमिट फंक्शन कॉल किया, तो हमारे को यहाँ पे बटन पे कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करना, हमने सबमिट टाइप का बटन बना दिया, तो ये ऑटोमेटिकली जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये सबमिट फंक्शन को कॉल कर लेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हम यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं कि अगर हमारा जो कंप्लीट फॉर्म है वो वैलिडेटेड है तो क्या एक्शन परफॉर्म करना है। जैसे हम यहाँ पे एक फाइल बना लेते हैं लॉग इन डॉट एच टी एम एल के नाम से, ठीक है। अगर हमारा जो फॉर्म है वो वैलिडेटेड है तो इस फाइल को आप कॉल कर दो, ठीक है। तो ठीक है, ये है। अब हम चाहते हैं अगर फॉर्म वैलिडेटेड है तो इस लॉगिन डॉट एचटीएमएल को कॉल कर देना। उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो फंक्शन है ना, इससे वैल्यू रिटर्न करनी है। ये बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या फॉल्स। अगर इस सबमिट फंक्शन ने ट्रू रिटर्न किया तो यहाँ पे हो जाएगा रिटर्न ट्रू, मतलब ऑन सबमिट इज ट्रू, तो आप इस एक्शन को कॉल कर दो। बट अगर इसने फॉल्स रिटर्न किया तो यहाँ हो जाएगा रिटर्न फॉल्स, मतलब ये जो ऑन सबमिट है ये फॉल्स हो गया, तो अब ये एक्शन परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। ये चीज होती है, ये इसका हमें फायदा होता है, ठीक है। दूसरी चीज, एक और इससे हमें बेनिफिट ये मिलता है कि ये जो इनपुट फील्ड्स है ना, हम इनको ब्लैंक के लिए चेक कर सकते हैं। कैसे? हमें सिर्फ यहाँ पे एक रिक्वायर्ड पैरामीटर ऐड करना है। इससे क्या होगा, ये जितने भी फील्ड्स है ना, ये सब रिक्वायर्ड हो जाएंगी, हम इन्हें ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। हो अभी दिखाते हैं, अगर हमने ब्लैंक छोड़ा तो वो अपने आप वहाँ पे एरर मैसेज दे देगा, ठीक है। देखो, मैंने सारी फील्ड्स रिक्वायर्ड कर दिया। नाउ देखो, अब मैं अगर इसे सबमिट करने की कोशिश करूंगा, इसने एरर दे दिया, ठीक है। ये अभी ज्यादा वैलिडेशन नहीं करेगा, बट ये हमारी नॉर्मल वैलिडेशन कर देगा। जैसे हमने ईमेल पे डाला था, टाइप ईमेल का रखा था, तो देखो अब अगर मैं सिर्फ यहाँ पे अभी इनवैलिड ईमेल आई है तो ये दे देगा, प्लीज इंक्लूड एट द रेट। हमने एट द रेट इंक्लूड किया, अब भी एरर दे दी। अब gmail.com, ठीक है, अब ये सही होगा। पासवर्ड जो था वो हैश रहेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हम सिर्फ नंबर्स ही ऐड कर सकते हैं, अगर मैं नंबर्स के अलावा कुछ और ऐड करने की कोशिश करूंगा तो नहीं होगा, ठीक है। अभी के लिए हमने सिर्फ रिक्वायर्ड की वैलिडेशन की थी, तो सबमिट करने पे ही आगे लॉग इन पे चला जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें हम बाकी की अपनी वैलिडेशन ऐड करते हैं, ठीक है। चलो, ये हमारा स्क्रिप्ट हुआ, यहाँ पे हम ले लेते हैं अपने देन ईमेल। वैसे अगर आप ईमेल को नहीं भी कंसिडर करोगे यहाँ पे तो भी हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ईमेल की कंप्लीट वैलिडेशन हमारी पहले ही हो चुकी है, जो हमने टाइप ईमेल लिया था उसने कंप्लीट वैलिडेशन पहले ही कर दी, तो फिर भी आपके ऊपर है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे एरर वाले लेते हैं, फुल नेम एरर, देन ईमेल एरर, एंड लास्ट इज कॉन्टैक्ट नंबर एरर। अब हम अपना फंक्शन बनाएंगे सबमिट, ठीक
ठीक है। अब इसके अंदर हमें कंडीशंस डालनी है, ठीक है। सबसे पहले कंडीशन क्या है, हम चेक करेंगे फुल नेम को, इफ फुल नेम डॉट वैल्यू डॉट लेंथ इज लेस देन और इक्वल टू 5। अगर लेंथ 5 कैरेक्टर्स या उससे कम है तो हम क्या करेंगे, फुल नेम एरर डॉट इनर HTML में डाल देंगे, नेम कैन नॉट बी लेस देन 5 कैरेक्टर्स, ठीक है। एंड साथ ही साथ अब हमारा फॉर्म इनवैलिड है तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है, एल्स रिटर्न करेंगे ट्रू, ठीक है। तो अब क्या होगा, अगर हमारा जो नेम की लेंथ हो 5 कैरेक्टर से कम होती है तो वो एरर वाला जो स्पैन था उसमें ये वैल्यू डाल देगा और फॉल्स रिटर्न हो गया। अब अगर फॉल्स रिटर्न हुआ मतलब यहां से फॉल्स आ गया तो इस एक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा, ठीक है। देखते हैं, चलो हमने नेम की लेंथ छोटी रखी एंड इन सब पे हमने वैलिडेशन सिर्फ रिक्वायर्ड डाल रखा है और कुछ नहीं है। तो नेम पे एरर आ गया, नेम कैन नॉट बी लेस देन 5 कैरेक्टर्स एंड ये आगे नहीं गया। अब अगर मैं नेम को सही कर दूं तो देखो आगे चला गया, ठीक है, ठीक है। नाउ ऐसे ही हम बाकियों पे भी डालते हैं, नेक्स्ट एल्स इफ। अब हम यहाँ पे वैलिडेशन डालेंगे कन्फर्म पासवर्ड डॉट वैल्यू डॉट नहीं वैल्यू इज नॉट इक्वल टू पासवर्ड डॉट वैल्यू। तो क्या करना है, कन्फर्म पासवर्ड एरर डॉट इनर HTML में और पासवर्ड एरर डॉट इनर HTML इन दोनों में डालना है पासवर्ड्स डोंट मैच एंड यहां से रिटर्न कर देंगे फॉल्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे को एक चेक रखना है, जो कॉन्टैक्ट नंबर था उसकी वैल्यू की जो लेंथ है इफ दिस इज नॉट इक्वल टू 10, नॉट इक्वल टू 10 रख लिया मतलब मोर देन 10 या लेस देन 10 दोनों पे ही एरर दे देगा, ठीक है। इसमें डाल देंगे वैलिड कॉन्टैक्ट नंबर एंड रिटर्न रिटर्न फॉल्स का ध्यान रखना, हर एक कंडीशन के बाद आपको रिटर्न फॉल्स करना है, ठीक है। अगर ये तीनों सही हो जाती है तो रिटर्न ट्रू कर दो, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये ब्लैंक फील्ड्स के लिए तो टेस्ट कर ही रहा है। नाउ हमने नेम रखा, ईमेल रखी एंड अभी हमने पासवर्ड्स अलग अलग रखे हुए हैं, ठीक है, मैच नहीं करेंगे और कॉन्टैक्ट नंबर की लेंथ भी गलत है। तो सबसे पहले इसने यहाँ पे एरर दी, एक एक करके देगा ये, क्यों, क्योंकि हमने इफ एल्स लगा रखा है। अगर पहली कंडीशन ट्रू हुई तभी दूसरी पे जाएगा, अगर पहली ही फॉल्स हो जाती है तो यहीं से रिटर्न कर जाएगा, ठीक है। अब पहली ट्रू है तो अच्छा, देखो अभी हमारी पुरानी एरर रिमूव नहीं हुई, अभी इस पुरानी एरर को भी रिमूव करते हैं। अभी मैंने पासवर्ड सेव कर दिया तो अब इसने कॉन्टैक्ट नंबर पर एरर दे दी, ठीक है, सब कुछ सही था तो ये आगे आ गया। लेकिन अब एक प्रॉब्लम क्या हुई, जो हमारी पुरानी एरर है वो रिमूव नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि हर बार वो इफ एल्स में आता है और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये आगे चला गया, तो जो इसकी एरर थी वो तो एज इट इज रही। तो हमें हर बारी क्या करना है, जो ये एरर्स है ना इनकी सबको इनर HTML को ब्लैंक कर देंगे, ये एक छोटी सी चीज़ करनी है, ठीक है। ईमेल एरर डॉट इनर HTML एंड पासवर्ड एरर डॉट इनर HTML पासवर्ड डॉट इनर HTML एंड कॉन्टैक्ट एरर डॉट इनर HTML इनको सबको ब्लैंक कर दिया, ठीक है। चलिए टेस्ट करते हैं, तो सबसे पहले लेंथ छोटी देते हैं, पासवर्ड्स भी डिफरेंट है मैच नहीं करेंगे, ठीक है। नेम की एरर आई, नेम की एरर हमने सही कर दी तो अब ये हट गई है, पासवर्ड्स की एरर आई, ठीक है। तो पासवर्ड्स को चेक करते हैं, पासवर्ड सेम हो गए तो अब कॉन्टैक्ट नंबर पे एरर आ गई, ठीक है। नाउ ये हो गया, ठीक है। तो कंप्लीट हमने फॉर्म वैलिडेशन कर लिया, और आप चाहो तो इसमें थोड़ी बहुत वैलिडेशन और डाल सकते हो, जैसे हमारा पासवर्ड है, अभी हम सिर्फ इसे चेक कर रहे हैं कि ये इक्वल है या नहीं। अब आप इनमें थोड़ी सी वैलिडेशन और डाल सकते हो कि लेंथ मस्ट बी एटलीस्ट 5 कैरेक्टर्स या 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग, इस टाइप से, या आप डाल सकते हो कि कोई स्पेशल कैरेक्टर हो या स्मॉल या कैपिटल नंबर्स हो। उसके लिए आपको सिर्फ ये करना है, जो हम यहाँ पे कन्फर्म पासवर्ड डॉट वैल्यू का एक कमेंट चेक डाला है, एक चेक और डाल देना कि इफ
उसकी एक सबस्ट्रिंग में चेक कर लेना कि एट द रेट आता ही नहीं आता, या अगर आप कैपिटल चाहते हो तो उसमें चेक कर लो कि कैपिटल लेटर आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से चेक्स हैं, बट ये बेसिक चेक्स थे जो होने चाहिए, पासवर्ड्स मैचिंग के चेक एंड ऑल, ठीक है। तो फॉर्म वैलिडेशन डन हो चुकी है, अगर हम इसे फॉर्म फील्ड्स को ब्लैंक रखते हैं तो हमारा यहीं पे एरर आ जाएगा, ठीक है। ये था हमारा फॉर्म वैलिडेशन कंप्लीट, बहुत ईजी था, फटाफट हमने सीख लिया है। तो जाओ फटाफट से आप भी बनाओ। अब इन फॉर्म्स को आप इजीली अपने किसी भी वेबसाइट में डाल सकते हो, कंप्लीट वैलिडेटेड फॉर्म्स हैं, इन्हें डेटाबेस से कनेक्ट करो, आपके पास डेटा सारा सेव होएगा, ठीक है। वो डेटाबेस वगैरह का काम कभी बाद की वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही है यार, कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे नीचे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम के लिंक्स लेके वहां से मुझे मैसेज कर सकते हो, वहां पे फटाफट हेल्प करेंगे, ठीक है। बनाओ इसे फटाफट, चलो नीचे कमेंट्स में मुझे बताना कैसा लगा यार, ठीक है। चलो चलते हैं, टाटा बाय।